आप इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से मिटा नहीं सकते हो। आप अगर SKICC से शेर कश्मीर का नाम मिटाओगे, या क्रिकेट स्टेडियम से मिटाओगे, या अस्पताल से मिटाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे कल दूसरी हुकूमत आएगी, वो वापस लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना, शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं, उसके नाम को यहाँ से हटाने वाले जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहाँ के लोगों के दिलों पर छाया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है? हम तो ना लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहाँ पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी, बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सब ने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा लेकिन हम इंतज़ार में हैं। आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कि पहले यहाँ सब हिंदू थे। आज़ाद साहब ने क्या कहा? हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम, पहले यहाँ पे सारे हिंदू थे तो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ, ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। जॉब्स के ताल्लुक से एपटेक की कहानी हमने देखा, SSB की जो कहानी चली, अभी एक स्टेटमेंट आया है एक डिजिटल चैनल को, LG मनु सिन्हा ने बयान दिया है कि अभी TCS आएगा, TCS विल डू द एग्जाम। अभी तक जनाब आपने जितने भी लाए वो फेल हुए, एपटेक पे इंक्वायरी आपकी मुकम्मल हुई नहीं, कोई लिस्ट आपका बना नहीं, अब आप TCS को इसमें घसीट रहे हो ना। क्या 2019 से पहले लिस्टें नहीं बनी? क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिस्टें नहीं बनी? क्या उसमें लोग रिक्रूट नहीं हुए? मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट की है। आखिर ये क्या बात है कि इस हकूमत से गवर्नर रूल में रिक्रूटमेंट ये कर नहीं पा रहे हैं? आपको TCS लाने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराना आपका तरीका रहा है SSB का, JK जो आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको मजबूत करिए, उसमें सही लोग लाइए, आप सही लोग उसमें बिठाओगे, काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर।